खबर नागौर के कुचेरा बुटाटी धाम की, जहां राजस्थान के नागौर में कुचेरा गांव के पास एक बुटाटी चतुरदास जी महाराज धाम है। यहां पर लकवा ग्रसित बीमारों को ठीक करा जाता है, एक वरदान है। यह ठीक राजस्थान के नागौर से 60 किलोमीटर दूर एक बुटाटी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। चतुरदास जी महाराज का स्थान है यह धाम, जहाँ पर अगर व्यक्ति के शरीर पर लकवा आ जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, तो यहाँ पर 7 फेरे देने से वह व्यक्ति एकदम ठीक ठाक होकर घर जाता है। बुटाटी धाम के ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बुटाटी से मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर एक अद्भुत व चमत्कारी मंदिर है, जिसका नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लकवा के कितना भी भयंकर से भयंकर केस क्यों ना हो, बीमारी हो या व्यक्ति, यहाँ से एकदम स्वस्थ होकर 100% जाता है। वंदे भारत न्यूज़ संवाददाता विक्रम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। सर आप यहाँ के अध्यक्ष हो? सर मेरे को यहाँ के मंदिर की थोड़ी जानकारी चाहिए, तो आप थोड़े से इसकी जानकारी दें। श्री सत्यनाथ जी महाराज बुटाटी धाम की जय हो। संत सत्यनाथ जी महाराज का जन्म बुटाटी धाम में हुआ है। लगभग 600 साल पूर्व आपने यहाँ हमारे बुटाटी धाम के ही श्री सत्यनाथ जी महाराज ने चार जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे उनके पुत्र थे। बाल्यकाल से ही चार बजानाथ की उन्होंने पूजा करी और बचपन से ही वो भक्ति में लीन रहे। उसके दौरान उनको एक सत्य जगह और वो अनेकों यात्राओं पर निकले, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अन्य जगह की यात्रा की और वहीं से उनको एक शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति प्राप्ति के बाद में वो वापस उन्हें बुटाटी धाम आए और जो उनके पूर्वजों की जमीन थी 700 बीघा जमीन, उन्होंने चार बजानाथ मंदिर को डोनेट करी। और उसके बाद में गांव से ही करीब 200 मीटर दूरी पे जहां अभी बुटाटी धाम मंदिर बना हुआ है, इस स्थान पे खेजड़ी के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या करी और जीवित समाधि ली। समाधि के लेने के बाद में उनका यहाँ पे चबूतरा गाँव उन्होंने बनाया और धीरे धीरे यह ख्याति मिली कि उनको यहाँ लकवा जो पैरालाइज हो जाता है, जिसके लकवा हो जाता है, उसका ठीक होता है। तो धीरे धीरे क्योंकि उस समय किसी प्रकार का संचार नहीं था, किसी से बातचीत का कोई साधन नहीं था, तो जो एक आपस में मिलता था जुलता था वही बता पाता था। तो सीमित जगह तक यह पता थी बात। जैसे जैसे न्यूज़ चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पता लगा, अभी वर्तमान में सोशल मीडिया के मार्फत से पता लग रहा है। यहाँ पर 7 दिन जो भी पीड़ित है वो आता है अपने परिवारजनों के साथ में। यहाँ रहना और खाना पीना सब यहाँ पे बुटाटी धाम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क होता है। 7 दिन उसको फ्री देनी है, 7 दिन परिक्रमा उसको करनी है, 7 दिन सुबह शाम की आरती देखनी है और भभूति धुने के अंदर गोटा नारियल बना कर फोड़ कर उसको डालना होता है और उसी भभूति नारियल से भभूति लेके और उसको अपने जहाँ जिस स्थान पर उसको समस्या है, लकवा है, उस स्थान में लगानी होती है और कुछ मुँह में ग्रहण करनी होती है। ये प्रक्रिया 7 दिन निरंतर चलती है और ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि में एक मैग्नेटिक पावर है, उस मैग्नेटिक पावर से ही वो व्यक्ति अपने जिसको समस्या लपेगी वो ठीक होता है। और ऐसे चमत्कार यहाँ पे हजारों हो चुके हैं, लाखों प्रतिदिन होते हैं और महाराज के यहाँ पे किसी प्रकार का कोई